Class, today we start our new chapter, chapter 14, when the earth shook, जब अर्थ हिलती है, ठीक है, उसके बारे में इस लेसन में है. बैड ड्रीम, बुरा सपना. हेल्प हेल्प, सेव मी, दे आर वॉज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर. हेल्प करो, हमें बचाओ. की आवाजें चारों तरफ, बहुत चिल्लाने की आवाजें आ रही थी इधर उधर. द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड द पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड. ग्राउंड जो था वो शेकिंग, हिल रहा था और लोग यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे चारों तरफ. स्क्रीमिंग अलाउडली आई गॉट अप, बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई और मैं एकदम जोर से उठी. ऑन हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वॉक अप, और मुझे सुनकर जो है वो एकदम चिल्ला के उठी. वो जैसे डर गई थी ना, तो वो एकदम चिल्ला के उठी, तो उसकी आवाज़ सुन के उसकी मम्मी भी उठ गई. शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट, वो जल्दी से उसके पास आई दौड़कर उसको एकदम टाइट से पकड़ लिया. इट वॉज द सेम बैड ड्रीम, ये पहले एकदम एक बहुत ही बुरा सपना था पहले की तरह. इट हैज बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक, ये ऐसा था जैसे कि 6 या 6 से ज्यादा साल पहले, जैसे कि अर्थक्वेक के समय, अर्थक्वेक का जो सपना था वैसे सपना इसको आया था. और अर्थक्वेक को जो आए हुए 6 या 6 साल से ऊपर ज्यादा हो गया, 6 years से ज्यादा हो गया. बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग. मेरे सपने में मैंने मतलब महसूस किया था कि जो धरती है वो अर्थ जो है हिल रही है और कम कपा रही है, ठीक है. अर्थक्वेक क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर है ये. इसमें अर्थ जो है, जो ग्राउंड है, जमीन है, जो धरती है वो हिलती है. अगर धरती हिलेगी तो क्या होता है, ऊपर जो बिल्डिंग होगी, ग्राउंड्स होंगे, घर होंगे, जो भी ट्रीज है, एनिमल्स हैं, सबको डिस्ट्रॉय कर देती है. मकाने गिर जाते हैं, लोग उसमें मर जाते हैं, दबके एनिमल्स मर जाते हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसमें. आई एम जसमा, आई लिव इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, मैं जसमा हूँ और मैं गुजरात के कच्छ एरिया में रहती हूँ. आई वॉज 11 years old वैन देयर वॉज एन अर्थक्वेक, मैं 11 years की थी जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, जब वहाँ पे भूकंप आया था. इट वॉज 26 January 2001, वह जो था 26 January 2001 का जो टाइम था वो. Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. 26 जनवरी थी, और आपको पता है कि 26 जनवरी को क्या होती है, हमारी जो है राष्ट्रपति पे हमारी परेड जो सलामी देती है हमारे राष्ट्रपति को, तो सभी लोग जो है वो परेड देखने के लिए, गांव के बच्चे, बूढ़े लोग जो है, और वो स्कूल की ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू द वॉच द परेड ऑन टीवी, टीवी पे स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठे हो गए थे टीवी की परेड को देखने के लिए. सडनली अचानक से द ग्राउंड वॉज शेकिंग, अचानक से जो जमीन थी, जो ग्राउंड था जहाँ पर वो सब लोग बैठ के टीवी देख रहे थे, वो हिलने लग गया. पीपल वर स्केयर्ड एंड स्टार्टिंग रनिंग हेयर एंड देयर, लोग जो है एकदम डर गए थे और वो इधर उधर दौड़ने लग गए. नो वन न्यू वट वॉज द हैपनिंग एंड वट टू डू, हर किसी, कोई भी ये जानता नहीं था कि अब क्या होने वाला था उनके साथ, अब वो क्या करेंगे. देयर वॉज टोटल पैनिक, वो एकदम बहुत ही भयानक था, वो सारा का सारा जो भी था, जो लोग यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा. इन अ फ्यू मिनट्स आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड, कुछ ही मिनटों में उनका पूरा जो गांव था वो एकदम ग्राउंड में चेंज हो गया, फ्लैट ग्राउंड में, मीन्स जो उसमें घर बने हुए थे, बिल्डिंग थी स्कूल की, स्ट्रीट वगैरह था, बिल्कुल एकदम फ्लैट हो गया, समतल जमीन के जैसा बन गया था. ऑल अवर थिंग्स, क्लोथ्स, स्पोर्ट्स, ग्रेन्स एंड फूड, और जो हमारे जो सारी चीज़ें थी, घर, कपड़े, बर्तन, अनाज, खाना, सब ट्रैप्ड, वो पत्थर के नीचे यहाँ से वहाँ ट्रैप्ड हो रहा था, यहाँ से वहाँ लुढ़क रहा था, इधर से जा रहा था. मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउसेज, और घर की जो है मड, मट्टी और लकड़ी सब कुछ वहाँ से गिर गई थी. एट दैट टाइम एवरी वन थॉट ऑफ टू थिंग्स, उस टाइम हर कोई केवल दो ही बातें सोच रहा था, टू सेव द पीपल, लोगों की जान बचानी, हु वर ट्रैप्ड एंड टू ट्रीट द इंजर्ड, और जो कि जो लोग ट्रैप्ड कर रहे थे, इधर हिल रहे थे हल्के हल्के, मतलब उनमें मूवमेंट थी, तो उनको जो है फटाफट से उनको उनके घाय, उनकी चोटों को ट्रीट करना, उनके जो चोट लगी थी उनका इलाज करना. द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज, और गांव का जो हॉस्पिटल था वो भी डैमेज हो गया था, वो भी टूट गया था.
मैनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड, बहुत सारे लोग जो थे वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सीरियसली घायल हो चुके थे। माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड, और मेरा पैर भी उस टाइम फ्रैक्चर्ड हो गया था। देखो ये पिक्चर आई, द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजेस, डॉक्टर ने लोगों को ट्रीट किया गाँव के और लोगों की हेल्प से। सिक्स पीपल ऑफ आवर विलेज डाइड, हमारे गाँव के 6 लोग मर गए थे उस टाइम। माई ग्रैंड फादर नाना वॉज ऑल्सो ब्रिड अंडर द हाउस, मेरे नाना जो उस टाइम घर के मलबे में दबके मर गए थे। माई मदर वेप्ड ऑल टाइम, मेरी मम्मी हर समय रोती थी। सीइंग माई मदर, अपनी मम्मी को देख के आई ऑल्सो क्राइड, में भी रोता था। प्रायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब, और पूरा का पूरा जो गाँव था वह बहुत दुखी था और डिस्टर्ब था, परेशानी में था। हाउस ऑफ माटा मोटा बाबू हु इज द सरपंच ऑफ आवर विलेज, मोटा बाबू का जो घर था वो हमारे गांव के सरपंच थे, उनका घर था। वाज नॉट मच डैमेज, जो कि डैमेज नहीं हुआ था, पक्का घर बना होगा तो वो डैमेज नहीं हुआ। ही गेव राइस एंड वीट टू एवरी वन फ्रॉम हिज गोडाउन, उन्होंने अपने गोडाउन से, अपने अनाज के गोदाम से उन्होंने लोगों को चावल और गेहूँ हरेक को दिए। फॉर मैनी डेज, कई दिनों के लिए, कई दिनों तक द विलेज वुमेन कुक्ड फूड टूगेदर इन मोटा बाबूज हाउस एंड फीड एवरीवन, गांव की औरतों ने इकट्ठे मोटा बाबू के घर में खाना बनाया और हर किसी को, सबको खिलाया। इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर, एक इमेजिन करो, एक कल्पना करो कि बिना घर के एकदम ठंड, कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा सर्दी की ठंड हो तो कैसा फील होगा बताओ। फियर एंड द कोल्ड केप्ट अस अवेक इन द नाइट्स, और मतलब कितना डराम, कितना डर है और ठंड से पूरी रात भर, मतलब उनको ठंड में कैसे रहना होता है उस जगह में। ऑल द टाइम वी वर वरीड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक, और हर समय उनको इसी बात की चिंता होती थी कि वहाँ पे कहीं दूसरा अर्थक्वेक ना आ जाए, कोई दूसरा भूकंप ना आ जाए, है ना। हैव यू एवर, यहाँ पे डिस्कस के लिए, हैव यू और एनीवन दैट यू नॉन एवर फेस सच डिफिकल्टी, क्या तुमने या तुमने किसी ने जिस तरह का एवर फेस किया है? नो बेटा, फिलहाल हमने तो नहीं किया टच, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और हु हेल्प, कौन हेल्प के लिए आता है उस टाइम, उनकी लिस्ट बनाई है उस टाइम हेल्प के लिए कौन आते हैं। सबसे पहले तो नेबर्स आते हैं, अगर कभी अर्थक्वेक होता है, किसी का घर डैमेज हो जाता है या किसी को चोट वोट लग जाती है, तो सबसे पहले हेल्प के लिए कौन आता है? नेबर्स, नेबर होते हैं, वहाँ के लोग होते हैं, सोसाइटी के आते हैं हेल्प के लिए, पॉलिटिशियन जो होते हैं, वहाँ के नेता आते हैं, और अदर सिटीज़ के लोग आते हैं, और डॉक्टर्स आते हैं, और भी हमारी गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संस्थाएं होती हैं, वो भी सभी धीरे धीरे हेल्प के लिए आती है इस तरह से, जहाँ भी जब भी ऐसी घटना घटती है तो। हेल्प अराइज, हेल्प देखो उनके पास कैसे पहुँची। फॉर सम डेज आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम द सिटीज केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड, कुछ समय के बाद जो थे लोग जो है वो शहरों से जो लोग थे वो वहाँ पे आए कि उनके देखने के लिए कि उनके साथ क्या घटना घटी है। दे केम विद फूड मेडिसन एंड क्लोथ, वो अपने साथ जो है खाना, दवाइयाँ और कपड़े लेकर आए। एवरी वन यूज टू रश टू टेक दीज थिंग्स, हर किसी ने जो है एकदम भीड़ में दौड़ कर जो है उनसे ये सारी चीज़ें ली। देखो लोग दौड़ दौड़ के उनसे चीज़ें ले रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर में भी बताया गया है। द क्लोथ दैट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट, जो कपड़े थे वो उनको एकदम अलग, डिफरेंट, अलग तरीके से मिले, डिफरेंट थे वो। वी हैड नेवर वॉन सच क्लोथ बिफोर, उन्होंने कभी भी इस तरह के कपड़े पहले पहने नहीं थे, है ना। अब जैसे कपड़े आए भी मजबूरी में उनको वही पहनना पड़ेगा क्योंकि उनके पास कपड़े थे नहीं। वो कहते हैं कि जो शहरों के लोग लाए थे वो एकदम ही डिफरेंट कपड़े थे, वो हमने कभी पहले पहने नहीं थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटीज, लोग जो अलग अलग ग्रुप से सिटीज से आए हुए थे। हेल्प अस टू द पुट अप द टेंट्स, स्टेइंग इन दिस प्लास्टिक टेंट इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वॉज वेरी डिफिकल्ट, और उन्होंने जो है उनकी हेल्प करी टेंट को बनाने के लिए, और उनको जो है प्लास्टिक के टेंट में इतनी ठंड की सर्दियों में जो कि बहुत ही रहना मुश्किल था, उन्होंने उनके लिए खुद भी वो स्टेइंग के लिए रहे और उनको भी रखा। वो प्लास्टिक के जो टेंट थे उनमें इतनी ठंड की मंथ में रहना बहुत ही मुश्किल था, वहाँ रुके हो। सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट, उनमें से कुछ लोग जो थे वो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग अ अर्थक्वेक, और वो यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांस हो। पीपल फ्रॉम आवर विलेज टॉक टू दैम मैनी टाइम,
पीपल फ्रॉम अवर विलेज, हमारे गांव से जो कई लोग जो लोग थे उन्होंने उनसे कई बार काफी सारी बातें करी, उनसे कई बार दे हैड सजेशंस अबाउट बिल्डिंग अवर हाउसेस अगेन, और उन लोगों ने कई बार जो है हमारे घर बिल्डिंग बनाने के बारे में कई सजेशन दिए, सुझाव दिए। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स शोन अस सम स्पेशल डिजाइन फॉर अवर हाउसेस, जो इंजीनियर आए थे उनके साथ और आर्किटेक्चर थे उन्होंने कई अलग अच्छे से अलग से स्पेशल डिजाइन जो हमारे घरों के लिए हमें बताए दिखाए। दे सेड दैट विद दिस डिजाइन, उन्होंने उस डिजाइन के साथ कहा कि हाउसेस वुड नॉट गेट डैमेज्ड मच इन एन अर्थक्वेक। उन्होंने बताया कि जो डिजाइन वो बता रहे हैं आर्किटेक्चर और इंजीनियर्स, उन डिजाइन से घर बनेगा तो वो अर्थक्वेक में ज्यादा डैमेज नहीं होगा, इस तरह के डिजाइन उन्होंने बनाए थे। बट अवर पीपल वर आर लिटिल अफ्रेड, परंतु हमारे गांव के जो हम लोग जो थे सभी लोग थे वहाँ वो डरे हुए थे। दे थॉट इफ दीज पीपल बिल्ड अवर हाउसेज, उन्होंने सोचा कि अगर ये लोग हमारे लिए घर बनाएंगे तो अवर विलेज विल नॉट लुक लाइक अवर ओल्ड विलेज, तो हमारा जो घर है वो पुराने पहले की तरह जो हमारा पुराना गांव था वैसा नहीं दिखाई देगा। सो क्योंकि अब वो ये घर बनाएंगे तो इंजीनियर थे बिल्डिंग्स वगैरह के इस तरह से बनाएंगे ना, तो वो कहते हैं हमारा घर भी पहले की तरह नहीं दिखाई देगा। तो सो द विलेजर्स थॉट, इसलिए विलेजर्स ने सोचा, गांव के लोगों ने सोचा, दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेस विद देयर हेल्प्स, कि वो उनकी हेल्प से अपने लिए घर बनाएंगे। द ग्रुप्स वुड बिल्ड द विलेज स्कूल, और जो ग्रुप थे वो विलेज का स्कूल भी उन्होंने बिल्ड कर बनाया उन्होंने उस टाइम। वी ऑल वर्क टूगेदर टू रिबिल्ड अवर विलेज, हम सब ने मिलकर जो है गांव को दोबारा से बनाया, मीन्स गांव में दोबारा से जैसे पहले घर बने हुए थे सब कुछ बनाया। सम पीपल डग एंड ब्राउट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड, कुछ लोगों ने जो है जमीन को खोदा और क्ले और पॉन्ड से तालाब से जो है क्ले गीली मिट्टी को लेकर आए। वी मिक्स द क्ले विद काउ डंग, उन्होंने उस क्ले को गीली मिट्टी को काउ के डंग के साथ गाय के गोबर के साथ मिलाया। एंड मेड लार्ज केक्स, और बहुत बड़े बड़े केक्स बनाए। वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स, और हमने जो है वो एक एक उन जो वो थे उनसे एक उन्होंने लार्ज केक बनाए थे, तो उन्होंने उस जो केक्स थे उन्होंने उन केक्स को एक के ऊपर एक रखा और इस तरह से उन्होंने दीवार बनाई। केक में जैसे ईंट बनाते हैं ना हम लोग, ईंट आती है हमारे पास मकान बनाने के लिए, इस तरह से उन्होंने क्ले गोबर से जो मिट्टी जो उन्होंने खोदी थी उससे उन्होंने क्या करा, बड़ी बड़ी ब्रिक्स बनाई, ईंट मतलब केक्स बनाए और उनको एक के ऊपर रख के दीवारें बना दी। वी वाइट वॉश द वॉल्स एंड डेकोरेट देम विद ब्यूटीफुल डिजाइंस एंड स्मॉल पीसीज ऑफ मिरर्स, उन्होंने जो है उसको उनकी दीवारों को बहुत सुंदर सुंदर जो है उनको डेकोरेट किया, वाइट वॉश किया दीवारों को, उनको डेकोरेट किया सुंदर सुंदर डिजाइनों से और छोटे छोटे शीशे उनमें लगा दिए। देखो ये मिरर लगा रहे, देखो वॉल बना के उनको डेकोरेट कर दिया और उनमें हल्की छोटे छोटे मिरर्स को पेस्ट लगा दिए। वी पुट अप द थैच रूफ, और उन्होंने जो है अपनी इस तरह से थैच ये जो रूफ होती है ना घास वास की उस तरह से रूफ बनाई, उन्होंने अपनी छत बनाई। Now our house shine like a diamond in the dark night, और अब तुमका घर जो था वो एकदम काली जो रात होती है उसमें एक हीरे की तरह चमकता हुआ था। ठीक है, वो अपने घर को देखे खुश थे, अब देखो अब हमने घर बना दिया इस तरह से। अब जो क्वेश्चन है बेटा इनको बाद में डिस्कस करेंगे इसे, आप इतना इसको रीड करिए।